पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैंने 26 ठाकुर द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज निर्वाचन का फार्म भरा है। और जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है, मेरी पार्टी का सिद्धांत है, मेरी नेता का सिद्धांत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक भी और 2022 में भी एक ही उनका विजन है, विकास। विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में कैसे विकास हो, ये हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी आ गया है और आने वाला है। जल्दी मैनिफेस्टो जारी कर देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले उसमें 5 चीज़ें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प ली हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक उपभोक्ता को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो। दूसरा, सिंचाई जो ट्यूबवेल के माध्यम से बिजली उसमें खर्च होती है, किसानों के लिए निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था, उसका बिजली का ट्यूबवेल का बिल ख़त्म। तीसरा यह है कि 5 साल तक गरीबों को राशन फ्री। चौथा है कि समाजवादी पेंशन, पहले वर्ष में 1 करोड़, पहले 500 थी अब 1500 रुपये। 10 लाख लोग, नौजवानों को रोज़गार, लैपटॉप आदि बहुत ज़्यादा हमारी योजनाएं हैं जिसे मैनिफेस्टो में विस्तार से आप देख सकते हैं। नेता जी, इन सबसे हटके एक सवाल मेरा यह है कि जो अभी तक जो सिंबल है वो नहीं मिल पा रहा है, और जो उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसे सिंबल नहीं मिल पा रहा है जो अभी और भी कैंडिडेट, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं। मैंने अपना सिंबल अपना जमा कर दिया है और सबको पार्टी ने जिन जिन को अधिकृत उम्मीदवार जारी किया है, घोषित किया है, वो सब नामांकन के समय सिंबल जमा कर देंगे। विधायक जी, किससे मुकाबला मानना है आप? कोई मुकाबला मेरे विधानसभा में कोई मुकाबला नहीं। अब के जीत का अंतर इतना बड़ा होगा क्योंकि अखिलेश जी की आंधी चल रही है, समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, कोई मुकाबला किसी से नहीं है। आप सिटिंग एमएलए हैं इसके, क्योंकि सिटिंग कही है, आप सिटिंग एमएलए हैं इसके, क्योंकि जो है कई लोगों इसका विरोध करते हुए चल रहा है कि हमें अपने टिकट नहीं मिल रहे हैं, लोगों के टिकट कट रहे हैं, तो विरोध जो सामने आ रहा है उसको फेस कैसे करेंगे, क्या कितना असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी आस्था, हमारे कार्यकर्ताओं की आस्था राष्ट्रीय नेतृत्व श्री अखिलेश यादव में है, समाजवादी पार्टी में है। विरोध तो हमेशा होता है, होता चला आया है, लेकिन कार्यकर्ता अपने रास्ते पर अड़िग हैं, समाजवादी पार्टी का परचम उठाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।